सीएम योगी आदित्यनाथ आज आगरा दौरे पर रहने वाले हैं। जीआईसी ग्राउंड में जनसभा को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। आज करीब 3 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचेंगे। निकाय चुनाव को लेकर सीएम की यह महत्वपूर्ण सभा मानी जा रही है। 100 वार्डो के प्रत्याशी समेत जनता भी मौजूद रहेगी। सीएम दौरे को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। यहाँ जीआईसी में जनसभा स्थल है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ पर कई स्तरों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। रूट पर भी व्यवस्था बनाई गई है, ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए भी ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही एयरपोर्ट या हेलीपैड जहाँ भी माननीय महोदय उतरेंगे वहाँ की सुरक्षा के लिए भी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। अतिरिक्त पुलिस बल लगाए गए हैं, एएसएक टीम और बीडीडीएस टीम भी तैनात किए गए हैं। साथ ही एक्सेस कंट्रोल की पूरी व्यवस्था की गई है और माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं उनके कार्यक्रम को सफलतापूर्वक और सुरक्षित संपन्न कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज ताजनगरी आगरा पहुंचेंगे और यहां निकाय चुनावों को लेकर एक बड़ी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं जीआईसी ग्राउंड में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहां पर एक बड़ा पंडाल यहां पर बनाया गया है, बड़ा मंच यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं हेमलता दिवाकर और जितने भी 100 वार्ड हैं उनके पार्षद प्रत्याशी जितने भी हैं उनके समर्थन में यहाँ पर लोगों से वोट की अपील करेंगे। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो खेरिया हवाई अड्डे से लेकर जीआईसी ग्राउंड तक चप्पे चप्पे पर पुलिस बल और पीएसी तैनात रहेगा और यह मंच बनाया गया है, इस मंच के चारों तरफ कमांडो की भी तैनाती की जाएगी। कैमरामैन नवाज हुसैन के साथ जावेद खान, एएनबी न्यूज़ आगरा।